हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देव शयनी एकादशी है, यानी आज से देव सो जाएंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम देव शयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस बार ये देव शयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 को है। इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 माह के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास कर क्षीर सागर में शयन करेंगे। इस उथल पुथल को संभालने में भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं कि 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं और दुनिया की बागडोर शिव और शक्ति के हाथों में आ जाती है, और इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों के दाता भगवान विष्णु का पृथ्वी से लोप हो जाता है। इसलिए गरुड़ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर विवाह, यज्ञोपवीत, संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गोदान, गृह प्रवेश आदि जो भी 16 संस्कार के कार्य होते हैं, वो चातुर्मास में त्याज्य होते हैं। इस एकादशी को पद्मनाभा, आषाढ़ी, हरिशयनी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य इस दौरान दक्षिण की तरफ हो जाता है, कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि का चिन्ह क्या है? केकड़ा। तो माना जाता है केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण दिन छोटे होने लगते हैं, और देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। जल प्रलय का समय होता है, 4 महीनों तक चलता है, जिसे चातुर्मास कहा गया है। इसीलिए कहा गया है इन 4 महीनों में ब्रज में निवास करना चाहिए। इन 4 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस कारण कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। और इस बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है, किस देवता का पूजन किया जाता है, तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, आज मैं वही तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अतः वो भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा, और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ, आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है, इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है, इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, यही कारण है आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा, और दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नरक अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरअपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता, कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
तो आप भी ज़रूर करें अपने इस व्रत को, और कुछ ना करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन से खुद भी कथा सुने, उन्हें भी सुनाएं, और इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक रहता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। अतः इस दिन से लेकर कार्तिक एकादशी तक जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए धर्म आचरण करता है उसे मेरा सान्निध्य प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, और जो भी मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, और इस दिन दीप दान करने से भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई शनिवार की शाम को 4:39 पर हो चुका है। एकादशी तिथि का समापन 10 जुलाई को 2:13 पर हो रहा है, और उदया तिथि के आधार पर हरिशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को ही रखा जा रहा है। व्रत का पारण सभी लोग 11 जुलाई सोमवार के दिन करेंगे। सुबह 5:31 से 8:17 तक का समय है। शुभ योग रहने वाला है सुबह से लेकर रात को 12:45 तक। रवि योग सुबह 5:31 से 11 जुलाई को 9:55 तक आता है। जो भी मनुष्य इस व्रत में कथा करता है, सुनता है, कोई भी श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त कोई भी दान पुण्य करता है, कोई भी पूजन आदि करता है, लक्ष्मी पूजन आज के दिन विशेष रूप से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। इस दिन एकादशी व्रत को पहले ही बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि एकादशी का जो लोग भी व्रत करेंगे वो एक दिन पहले से ही रात्रि से नियमों का पालन करें, तामसी भोजन, तामसी विचार त्याग दें, सुबह जल्दी उठें, फिर आज के दिन स्नान आदि करके पूजन करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और घर के उत्तर पश्चिम दिशा में या पूरब दिशा की ओर आप भगवान विष्णु की शयन अवस्था में चित्र या मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं, और व्रत करके पंचोपचार पूजन करना चाहिए, इससे धन धान में वृद्धि होती है। जिन लोगों के पास मूर्ति आदि है वो दक्षिणावर्ती शंख, हमेशा कहती हूँ अपने घर में सिद्ध करके दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए, और दक्षिणावर्ती शंख साक्षात श्री लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। 1,25,000 जप सिद्धि लक्ष्मी माता के जपों से सिद्ध करके इसे अपने घर पे स्थापित करें, और देखिए इसका चमत्कार कैसे होता है। कहते हैं कि ये शंख अपने आप में मनुष्य को माला माल करता है। तो दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के श्री हरि भगवान विष्णु को अभिषेक कराइए। अगर फोटो है तो फोटो के सामने ही सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख में पीले चावल भर के आज के दिन आपको स्थापित करने चाहिए, और फिर शुद्ध जल से जो लोग स्नान कराएंगे वो पहले दक्षिणावर्ती शंख से आप पहले पंचामृत स्नान कराइए, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, इसके बाद बाबा का इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद चंदन का तिलक करना चाहिए। जितनी पूजन करेंगे आप सब पूरे टाइम मन में धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते हुए आपको जप करते रहना चाहिए। चंदन के ऊपर चावल नहीं चढ़ाए जाते विष्णु भगवान को, सफ़ेद तिल चेपे जाते हैं, तो ये बात का ध्यान रखें। जनेऊ धारण कराएं, पीताम्बर धारी हैं भगवान विष्णु तो पीले वस्त्र इस दिन आपको स्वयं भी धारण करने, साथ में विष्णु भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले ही पुष्पों से श्रृंगार करें, केसर का इत्र हो तो केसर का इत्र लगाइए, और हमेशा कहती हूँ भगवान को इत्र चढ़ा करके अपने नाभि में लगाइए, देखिए आपके अट्रैक्शन पावर में कैसी वृद्धि होती है। एक बूंद चढ़ा दीजिए भगवान को, फिर आप रोज नाभि में लगाइए, इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। इसके बाद तुलसी के बिना पूजन अधूरा है, तो तुलसी पत्र उनके मस्तक पर चढ़ाना चाहिए, और इस दिन भगवान को तुलसी की मंजीरी चढ़ाने का भी विशेष महत्व आता है। और इस प्रकार से भक्ति भाव से फिर धूप दीप करें, और कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करें आज के दिन। अगर कमल के फूल हो तो उन्हें चढ़ाएं, इससे तीनों लोकों के देवताओं का पूजन होता है। आज के दिन जो तिलक आप स्वयं भी करेंगे उसमें आपको केसर या हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के घी का दीपक करें, जो लोग भी प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं काम धंधे के लिए तो वो 11 मुखी दीपक आज के दिन करें। चंदन की अगरबत्ती जलाएं, और इस केले का फलाहार चढ़ा सकते हैं। पपीते की खीर का आज विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। जो लोग रेसिपी नहीं जानते यूट्यूब पर जा करके कहीं से देख सकते हैं। पान, सुपारी, नारियल,
तुलसी पत्र अर्पित करके भोग, जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, थोड़ा जल चढ़ाइए और फिर ओम पद्मनाभाय नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद भाव प्रतीकात्मक रूप से भगवान को शयन कराया जाता है। आप चाहे तो ऐसे ही टेढ़ा करके भगवान को, कोई गद्दी वद्दी है आपके पास उसके ऊपर, या अच्छे से पलंग है तो भगवान की छोटी सी उसके ऊपर आप भगवान को शयन करा दीजिए, और शयन कराते हुए बोले, सुप्ति त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्वचराचरम, इस प्रकार से बोलते हुए श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान को तकिया चादर देकर शयन कराना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं बोल सकते उनको हिंदी में बता देती हूँ, हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सुप्त हो जाता है, आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं, अतः आप प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन इस प्रकार से कराते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कराते हुए सुला दीजिए। इस रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए, वैसे तो जल्दी उठना चाहिए, दोपहर को भी सोना मना है, और रात्रि में भी जागरण करते हुए बिताने का समय नियम बताया गया है। तो भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नृत्य करें, भजन कीर्तन स्तुति, आप चाहे तो पूर्णिमा का व्रत की तरह कथा आदि भी कर सकते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी पूजन करें, और इस प्रकार से जो भी मनुष्य आज की रात्रि में जागरण करता है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती, और प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बाद में भगवान विष्णु पर चढ़े हुए केले का सेवन इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको जो लाल कलावा है उसका उपाय करें, उसे मेन गेट पर बांध दें। दोस्तों इस दिन आपको तन मन धन की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ी सी भी वचन की अशुद्धि हो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए इस दिन आपको एक तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, इससे परिवार और कुटुंब नष्ट होता है। इस दिन आपको दूसरों की बुराई पर निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं, इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करें, किसी की चुगली ना करें, चोरी ना करें, चोरी करना पाप माना गया है, समाज में घृणा की नज़र से आपको देखा जाता है, इसलिए चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से मारपीट करें, हिंसा करें, और केवल शरीर से हिंसा नहीं होती है, आजकल इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, किसी को इतना प्रताड़ित करना बोल बोल करके कि वो इंसान ऐसे ही अपने आप में मर जाता है, इसलिए शरीर से सिर्फ नहीं, कोई अगर मोटा है पतला है, कोई छोटा है कोई लंबा है, कोई के अंदर कोई बुराई है, किसी के एक हाथ नहीं है किसी के पैर, कोई भी अगर किसी में शारीरिक कमी है या उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको किसी को इमोशनल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए, एडल्ट अब्यूज़ यानी कि बड़ों को आजकल मारपीट करना, बुजुर्गों को घर में मारपीट करना, ये सभी आप एक तरफ अगर भगवान की पूजा करें दूसरी तरफ आपका व्यवहार खराब है तो आपकी ऐसी का कोई लाभ नहीं है, कि लोगों को आप तकलीफ पहुंचाएं, लोगों को अपनी वाणी से आप अगर आप हर्ट कर रहे हैं, हाथों से नहीं भी मार रहे वाणी से मार रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है, ये भी ना करें। पर पुरुष पर स्त्री का संग किसी भी समय नहीं करना चाहिए, और आज के दिन तो नहीं करें, और क्रोध भी नहीं करें, झूठ ना बोलें, आज के दिन तामसी पदार्थों का सेवन ना करें। आप अगर व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेस्ट तरीका क्या होता है, फलाहार करें आप दोनों समय, अगर नहीं भी कर सकते तो आप एक समय फलाहार कर लीजिए, एक समय सात्विक अन्न खाएं, लेकिन चावल का त्याग करें, जौ का त्याग करें, ये चीज़ का ध्यान रखें, नमक का त्याग करें, सेंधा नमक का आज के दिन प्रयोग कर लें, किसी भी प्रकार का मांस मदिरा लहसुन प्याज शराब सिगरेट तंबाकू ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आप प्रयोग करें। और आज के दिन एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट छोटा सा उपाय बताती हूँ, जो भी मनुष्य आज के दिन लक्ष्मी पूजन करता है विष्णु भगवान सहित, उसके जीवन में धन का ऐसा भंडार भरता है, सभी लोग कहते हैं व्यापार वृद्धि के लिए क्या करें, नौकरी नहीं है क्या करें, ये उपाय कर लीजिए आज के दिन, आप कर्ज चढ़ा है क्या कर, आज के दिन आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है, जब भी आप पूजन करें, और नहीं भी कर रहे हैं पूजन तो लक्ष्मी माता या विष्णु भगवान के सामने बैठ जाइए, एक दीपक कम से कम जला लीजिए, चाहे तेल का हो चाहे घी का, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। आज के दिन इस पाठ को करने से, और आज से शुरू करके अगले 21 दिन तक जो भी मनुष्य इस पाठ को कर लेता है उसके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए एक चुटकी,
उससे पहले तिलक कीजिए, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को खुद के फॉरहेड पे तिलक कीजिए, खुद की नाभि पे तिलक कीजिए और इसके बाद इस पाठ को पढ़ना शुरू करें एक पीला पुष्प हाथ में लेके। जिनके पास पीला पुष्प नहीं है थोड़े से चावल को हल्दी लगा लीजिए उसको हाथों में ले लीजिए और हाथों में लेकर के आपको पाठ करना है संपूर्ण पाठ कनक धारा स्तोत्र का और उस चावल को या उस पुष्प को इसके बाद आपको अपनी तिजोरी पर रख देना है। आपको बता दूं इस पाठ के द्वारा आदि शंकराचार्य जी ने एक गरीब के घर पर धन वर्षा करवाई थी, लेकिन कलयुग का समय है इतना नहीं हो सकता, हो सकता है धन वर्षा ना भी हो क्योंकि उतनी शक्ति तो हमारे अंदर शंकराचार्य जी जैसी नहीं है कि हम गुरु बनकर अपने शिष्यों के घर बारिश करवाएं। लेकिन फिर भी अगर आप सच्चे दिल से बिल्कुल विश्वास के साथ करेंगे इस कनक धारा स्तोत्र को तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी भी आर्थिक स्थिति ज़रूर बदल जाएगी। आप चाहें तो आज के दिन 11वें जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके 11वें अध्याय का पाठ कीजिए और साथ ही साथ अपने घर में अगर कलेश करते हैं तो प्लीज़ जब भी पूजन करते हैं देवी देवता का उस दिन कलेश नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। कुछ लोग पूजा लक्ष्मी जी की करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों पर आपको लगता है भगवती की कृपा होगी। और आपको बता दूँ एक छोटी सी बात, श्री कृष्ण भगवान भी द्रौपदी के अपमान से इतना आहत हुए थे कि उन्होंने 12 वर्ष तक पांडव लोग से मुलाकात नहीं की थी और उसके बाद वनवास में पांडवों ने वनवास भोग लिया उसके बाद ही श्री कृष्ण उनसे मिले थे। तो इसलिए ये ध्यान रख ले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके पूजा पाठ का। दूसरी तरफ स्त्रियों को भी आजकल जब पढ़ लिख करके आप पुरुष के बराबरी में खड़े हो रहे हैं आपको भी चाहिए कि आप पुरुषों का सम्मान करें, ऐसा कोई मौका ना दें कि लोग आप पर उंगली उठा सके, तो कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत व्रत है, देव आज से सो जाएंगे 4 महीने के लिए, सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। कैसे सुलाना है देव आपको सिखाया, इसी प्रकार से देव सुलाएं। और ध्यान रखें ये प्रतीकात्मक है, ऐसा नहीं कि 4 महीने तक भगवान को सोई अवस्था में रखने देंगे, आप आज प्रतीकात्मक रूप से सुला सकते हैं, इसके बाद आप कल से वापस नॉर्मल सेवा उनकी जरूर करेंगे। दोस्तों इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। बहुत ही मोक्षदायिनी और सभी मनोकामना पूर्ति वाला व्रत है, तो अवश्य करें। व्रत करें या ना करें, इस कथा को मैंने आपको सुनाया है, खुद भी सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।